हेलो दोस्तों, भारतीय युद्ध नीति के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की, अनमैन्ड सिस्टम की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसी कई नई तकनीकों के बारे में जो कि हमें आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट्स आज के समय के सबसे ज्यादा एडवांस्ड, केपेबल और सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं। अमेरिका इन फाइटर प्लेन्स जैसे F-22 और F-35 स्टेल्थ फाइटर को इस्तेमाल करने वाला सबसे पहला देश था। आज के समय में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि चाइना भी ऐसे कई फाइटर प्लेन्स को इस्तेमाल करने लगा है। चाइना ने अपना खुद का फाइटर प्लेन डेवलप करा है जिसका नाम है J-20। साथ ही साथ रशिया के पास भी ऐसे फाइटर प्लेन्स हैं जैसे SU-57 जो कि सीरिया में ऑपरेशनल हैं। इन एयरक्राफ्ट्स के ऑपरेशनल होने के साथ साथ मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन कंट्रीज द्वारा फ्यूचर जनरेशन के एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। फ्यूचर जनरेशन से मेरा मतलब है 6th जनरेशन। पहले हम सबको ये समझना होगा कि ये सारे जनरेशन जिन्हें हम 1st, 2nd, 3rd, 4th कहते हैं, ये बहुत ही अस्पष्ट हैं क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम एयरक्राफ्ट को क्लासीफाई कर सकें। कुछ फाइटर प्लेन्स जैसे SU-35 और सुपर हॉर्नेट जो कि 4th जनरेशन फाइटर प्लेन से ज़्यादा अच्छे और केपेबल हैं, वहीं ये प्लेन्स 5th जनरेशन फाइटर प्लेन से कम केपेबल हैं, इसलिए हम इन फाइटर प्लेन्स को 4.5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स कह सकते हैं। आमतौर पर पुराने जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स में रडार, मिसाइल, मल्टी रोल केपेबिलिटी और इंक्रीज मैनोवरेबिलिटी के आधार पर अंतर किए जाते थे। ऐसा कई बार कहा गया है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हर तरह के स्टेल्थ से लैस हैं और वह कई तरह के वेपन्स भी कैरी कर सकते हैं। ये भी अक्सर कहा जाता है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स के पास ईसा और पेसर जैसे रडार्स भी हैं जो कि एयरक्राफ्ट की केपेबिलिटीज़, मैनोवरेबिलिटी और सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। ये तो बात थी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की। अब हम बात करते हैं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स के बारे में। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स भी पुराने जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे, जिसका मतलब है कि वो स्टेल्थ, नेटवर्क, फ्यूचर वेपन, कम्युनिकेशन और हर नई तकनीक से लैस होंगे। 21वीं सदी में अनमैन्ड सिस्टम एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इन्वेस्टमेंट और रिसर्च होने के काफ़ी चांसेस हैं। ऐसे कई डिस्कशंस पहले भी हो चुके हैं जिसमें ये कहा गया है कि 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स अनमैन्ड भी हो सकते हैं। इन फाइटर प्लेन्स के अनमैन्ड होने के बहुत फायदे हो सकते हैं, जैसे कि अगर फाइटर प्लेन एनिमीज की टेरिटरी में है तो हाईली ट्रेन्ड पायलट की जान जोखिम में नहीं होगी और उसके दुश्मन द्वारा कैप्चर होने का खतरा भी नहीं होगा। एक फायदा ये भी है कि जो मिशन कई हाईली ट्रेन्ड पायलट्स नहीं कर सकते, उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक मिशन ये प्लेन कर पाएंगे क्योंकि ये अनमैन्ड होंगे। वहीं एक फ़ायदा ये भी देखा जा सकता है कि ये प्लेन्स जो कि कंप्यूटर द्वारा ऑपरेशनल होंगे, वह ज़्यादा लंबे मिशंस कर पाएंगे उन प्लेन्स के मुकाबले जो कि पायलट द्वारा उड़ाए जाते हैं। इन प्लेन्स के ऐसे अनेक फायदे हो सकते हैं, जैसे कि ये प्लेन्स किसी भी वक्त ऑपरेट किए जा सकते हैं, इन प्लेन्स द्वारा ह्यूमन एरर का पूरी तरह खात्मा किया जा सकता है और इन प्लेन्स को किसी तरह की सैलरी की आवश्यकता भी नहीं होगी। अब जहां इन प्लेन्स की इतनी एडवांटेजेस हैं, वहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस, जिसके कारण हमें कम्युनिकेशन डिलेज देखने को मिल सकते हैं और साथ ही साथ प्लेन्स के साइबर अटैक द्वारा हाईजैक होने का भी पूरा खतरा है। ये एक काफ़ी गंभीर समस्या है जिसको लेकर सब चिंतित हैं, क्योंकि ऐसा साइबर अटैक हम 2011 में देख चुके हैं। ये साइबर अटैक ईरान द्वारा USA के एडवांस स्टेल्थ ड्रोन RQ-170 पर किया गया था और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि ऐसे एयरक्राफ्ट्स में कोई पायलट मौजूद नहीं होता। ऐसे एयरक्राफ्ट का अपने ऑपरेटर के साथ डेटा लिंक होता है, जिसका अर्थ है कि ड्रोन अपने ऑपरेटर के ऑर्डर्स का वेट करते हैं और उनके दिए गए निर्देशों पर काम करते हैं। ऐसी सिचुएशन में ये पॉसिबल है कि दुश्मन उस एयरक्राफ्ट को फेक ऑर्डर्स भेजकर या तो फुल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करे या फिर ऑपरेटर और एयरक्राफ्ट के बीच की कम्युनिकेशन को जैम करने की कोशिश करे, जिससे कि एयरक्राफ्ट को सही ऑर्डर्स ना मिल पाए। कई ड्रोन्स इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि अगर उन ड्रोन्स के साथ ऐसा कुछ भी हो तो वो ड्रोन्स अपने बेस पर वापस लौट आएं। वहीं दुश्मन इस सिचुएशन में ड्रोन के GPS को स्पूफ करके उनके बेस की असली लोकेशन को चेंज कर सकते हैं और उस ड्रोन को अपने कब्जे में ले सकते हैं। इस खतरनाक समस्या से निपटने का एक तरीका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा तरीका है एडवांस कंप्यूटर सिस्टम, जो कि वक्त आने पर डिसीजंस अपने आप ले सके और आने वाले खतरे से कैसे निपटना है ये भी अपने आप सोच सके। इससे ये फायदा होगा कि एयरक्राफ्ट किसी एक्सटर्नल ऑर्डर्स के बिना सिचुएशंस के हिसाब से खुद फैसला कर पाएगा। हालांकि ये टेक्नोलॉजी अभी भी कई दशक दूर है, पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स जरूर अनमैन्ड होंगे। अनमैन्ड होने के साथ साथ नए जनरेशन फाइटर प्लेन्स साइज में छोटे भी हो सकते हैं और काफ़ी सस्ते भी। अगर ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि जनरेशन के आगे बढ़ने के साथ साथ फाइटर जेट्स महंगे होते गए हैं, वहीं हथियारों और तकनीकों में काफ़ी उन्नति देखने को मिलती है।
इस महंगाई की वजह से जनरेशन के आगे बढ़ने के साथ साथ फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन कम होती गई है, और अगर यही ट्रेंड रहा तो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की कीमत लगभग $500,000 के बराबर होगी। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेशंस कैरी आउट करना अब बहुत ही ज़्यादा रिस्की और कॉस्टली होता जा रहा है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट्स शक्तिशाली रडार्स जैसे चाइना का JY-26 और एडवांस एयर डिफेंस जैसे रशिया का AS-400 से लेस हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लेज़र लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, इसलिए लेज़र एयर डिफेंस सिस्टम अब धीरे धीरे डेवलप किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक्यूरेट होते हैं और मिसाइल्स के मुकाबले काफ़ी सस्ते होते हैं। अमेरिका करंटली इनडायरेक्ट फायर्स प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी हाई एनर्जी लेज़र पर काम कर रहा है, जो कि आने वाले कुछ सालों में ऑपरेशनल होगी। ये लेज़र लॉज लेज़र से 10 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होगी और इस काबिल भी होगी कि किसी भी आने वाली क्रूज मिसाइल को नष्ट कर सके। अमेरिका के साथ साथ रशिया और चाइना भी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहे हैं जो कि मैनोवरिंग एयरक्राफ्ट्स को मार गिरा सके। तो ऐसे सिस्टम से बचने का एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा छोटे अनमैन्ड और सस्ते एयरक्राफ्ट्स बनाए जाएं जो कि दुश्मनों पर एक तरीके का स्वॉर्म अटैक कर सके। आज के समय के लेज़र हथियार साइज में काफ़ी बड़े हैं, और आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की मदद से हमें देखने को मिलेगा कि 6th जनरेशन फाइटर लेज़र से लैस होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से लेज़र हथियारों का साइज़ कम से कम किया जाएगा जिससे कि वो एयरक्राफ्ट में फिट हो सकें। लेज़र हथियार 2 तरीकों से उपयोग किए जा सकते हैं। पहला तरीका है डिफेंसिव। USA डिफेंसिव लेज़र पर काम कर रहा है जो कि दुश्मनों की एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइल्स को नष्ट करने में सक्षम होगा। सेल्फ प्रोटेक्ट और हाई एनर्जी लेज़र डेमोन्स्ट्रेटर 2019 के अप्रैल में ही टेस्ट और इस्तेमाल किया जा चुका है, जिसमें उसने काफ़ी मिसाइल्स को मार गिराया था, जो कि हमें ये बताता है कि ये कॉम्बैट में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज ला सकता है। इस तकनीक के आते ही सिस्टम्स जैसे S-400 और एडवांस चीनी मिसाइल जैसे PL-15 बिल्कुल व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई भी मिसाइल एयरक्राफ्ट पर फायर की जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली लेज़र द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं लेज़र के विषय में ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लेज़र वेपन्स का ऑपरेशन खराब मौसम में नहीं किया जा सकता। वहीं अगर हम ऑफेंसिव लेज़र की बात करें तो ऑफेंसिव लेज़र के ऑपरेशन के लिए काफ़ी पावर की आवश्यकता होती है। जैसे एक लैंड अटैक करने के लिए लेज़र बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स बहुत ही लाइटली आर्म्ड होते हैं, क्योंकि उनका वजन एयरक्राफ्ट के ज़्यादा गति से उड़ान भरने के लिए काफ़ी कम होना चाहिए। लेज़र हथियार बॉम्ब्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल से काफ़ी बेहतर होते हैं, क्योंकि वह वर्चुअली इंस्टेंटेनियस होते हैं, इसलिए दुश्मन को पलट के वार करने का मौका नहीं मिलता, और वह एक्यूरेट होते हैं और एयरक्राफ्ट उनके हजारों शॉट्स कैरी कर सकते हैं जो कि सिर्फ पावर पर डिपेंड करते हैं। हालांकि लेज़र वेपन्स बॉम्ब्स और मिसाइल्स को कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी रेंज लिमिटेड होती है, वह एडवर्स वेदर में काम नहीं कर पाते और वो हार्ड टारगेट्स जैसे बिल्डिंग और बंकर्स को ज़्यादा नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए कन्वेंशनल वेपन्स हमेशा यूज़ किए जाएंगे, क्योंकि उनकी रेंज ज़्यादा होती है और उनका इफेक्ट हर चीज़ पर देखने को मिल सकता है। 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हाइपरसोनिक हथियारों से भी लैस होंगे, क्योंकि यही आजकल का ट्रेंड है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रशिया का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन SU-57 सीरिया में कई लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स जैसे KH-59 लॉन्च कर चुका है। वहीं चाइना के PL-15 की रेंज 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और अमेरिका इस वक्त M-260 और लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट पर काम कर रहा है, जिसकी रेंज AMRAAM से ज़्यादा होगी, और रशिया भी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है। अब हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज एयर इंटरसेप्ट मिसाइल्स की, जो कि कोई नई बात नहीं है। इस तरीके की मिसाइल अमेरिका और रशिया दोनों के पास हैं। अमेरिका के पास जो मिसाइल है उसका नाम है 854 फीनिक्स, वहीं रशिया के पास जो मिसाइल है उसका नाम है सोवियत R-33, और ये दोनों ही मिसाइल लगभग 40 साल पहले ऑपरेशनल हो चुकी थी। ये मिसाइल्स लार्ज बॉम्बर्स को मार गिराने के लिए डिजाइन की गई थी, पर इन मिसाइल्स के पास ज्यादा मैनोवरेबिलिटीज नहीं थी। वहीं आज की मिसाइल्स जैसे चाइनीज PL-15 और AM-260 हर तरीके की एबिलिटी से लैस हैं। 5th जनरेशन फाइटर्स के ऑपरेशंस में स्टेल्थ का बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्टेल्थ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा फाइटर जेट की डिटेक्शन रेंज को कम से कम किया जा सकता है, चाहे एयरफ्रेम की शेपिंग हो या फिर स्पेशल कॉम्पोजिट मटेरियल जो कि रडार वेव्स को एब्जॉर्ब करता है। टेक्नोलॉजी F-117 के दिनों से काफ़ी इवॉल्व हुई है। अब खाली अमरीका ही ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं बनाता, बल्कि काफ़ी कंट्रीज जैसे रशिया, चाइना, UK, इंडिया, टर्की और भी कई देश स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को बनाने में सक्षम हैं और बना भी चुके हैं। पर अभी भी सारी कंट्रीज के पास ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं हैं,
और इसका कारण ये नहीं कि उनके पास नॉलेज की कमी है, बल्कि ऐसे कई कारण हैं जिस वजह से काफी कंट्रीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं बना सकती। उन कई कारणों में से एक है, जैसे कई कंट्रीज के पास नॉलेज है कि वह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कैसे बना सकती हैं, पर उन कंट्रीज के पास वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज नहीं है जो कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को बनाने में आवश्यक होती हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट को बनाने में काफ़ी पैसा लगता है और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। कई कंट्रीज़ के पास वो प्रोडक्ट्स नहीं होते जिससे कि एयरक्राफ्ट्स की शेपिंग ऐसी की जा सके जो कि उसकी स्टेल्थ को बढ़ाए। वहीं अगर शेपिंग गलत तरीके से की जाती है तो वो एयरक्राफ्ट की मैन्युवरेबिलिटी पर असर करता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जैसे एयरक्राफ्ट का वजन, जो कि हमें एयरक्राफ्ट बनाते समय ध्यान में रखनी होती हैं। इसीलिए कई कंट्रीज़ ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने में नाकाम रहती है। सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के यूज़ को ज़रूर कंटिन्यू करेंगे, पर स्टेल्थ की महत्वता सिक्स जनरेशन में करंट जनरेशन से कम होगी, क्योंकि तब तक स्टेल्थ जैसी या उससे बेहतर टेक्नोलॉजीज यूज़ में आ जाएंगी, जैसे डिफेंसिव टेक्नोलॉजीज, जिनकी मदद से एयरक्राफ्ट अपने मिशन और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। कैपेबिलिटी में एक भारी बदलाव हमें देखने को तब मिला जब फेज अरे रडार्स का ईजाद हुआ, जो कि शुरू के समय में काफ़ी बड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से वो खाली ग्राउंड बेस्ड वार्निंग देने के कैपेबल थे। पर जैसे जैसे वक्त बदला, टेक्नोलॉजीज के कारण इन रडार्स का साइज काफ़ी कम किया गया, जिससे कि ये रडार्स एयरक्राफ्ट के अंदर फिट हो सकें। ऐसे रडार्स दो तरीके के होते हैं, एक्टिव और पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्टीर्ड अरेज। मैं इनके डिफरेंसेस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर जनरली फेज्ड अरेज हज़ारों छोटे एंटीना से मिलकर बनाए जाते हैं, जिन्हें कंप्यूटर द्वारा पल्स एमिट करने के टाइम को एडजस्ट करके कभी भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करा जा सकता है। वहीं मैकेनिकली स्टीर्ड रडार्स को फिजिकली ऑपरेट करना पड़ता है। इस टेक्निक से फेज अरे रडार्स आसमान के किसी भी हिस्से को इंस्टेंटेनियसली स्कैन कर सकते हैं और साथ ही साथ टारगेट्स को ट्रैक भी कर सकते हैं। फेज अरे रडार्स की रेंज मैकेनिकल रडार्स से ज़्यादा होती है और ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के टूल की तरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फेज्ड अरे रडार के जैम होने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जल्दी चेंज करने के कैपेबल होता है और ये फ्रेंडली कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकते हैं, क्योंकि फेज अरे रडार के द्वारा डेटा, वॉइस मैसेज और फोटो भी भेजे जा सकते हैं। इसलिए आज के समय में फेज अरे रडार कई सेंसर्स के मुकाबले काफ़ी बढ़िया और बेहतर साबित हो रहा है। हमको सिक्स जनरेशन फाइटर प्लेन्स में कई सेंसर्स देखने को मिलेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिंथेटिक अपर्चर रडार, पावरफुल विजुअल्स इंफ्रारेड और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमराज, जो कि टारगेट्स को हवा और ज़मीन दोनों जगह सर्च कर सकते हैं। उदाहरण के लिए F-35 एयरक्राफ्ट को लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से लैस है। इसके अनेक फायदे हैं, जैसे कि यह हाई रिजोल्यूशन इमेजेस प्रोवाइड कर सकता है, इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक भी कर सकता है, और इसको एक लेजर रेंज फाइंडर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है और ये टारगेट्स जैसे टैंक्स, ट्रूप्स और एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करने में माहिर है, जो कि काफ़ी डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं। F-35 का सिस्टम स्नाइपर XR के सिस्टम पर बेस्ड है, जो कि मैनोरेबिलिटी को घटाता है और एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी रिड्यूस करता है। EOTS ये सब एलिमिनेट करता है, इसलिए सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट में हमें EOTS देखने को ज़रूर मिल सकता है। आज की टेक्नोलॉजीज की मदद से हम अपने 100 किलोमीटर के दायरे की एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, पर आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इस क्षेत्र में काफ़ी उन्नति होने वाली है। जब एयरक्राफ्ट के पास डेटा लिंक्स की टेक्निक नहीं थी, तब दुश्मनों के बेसिस की लोकेशन रेडियो पर ब्रॉडकास्ट की जाती थी और एयरक्राफ्ट जैसे F-14 के द्वारा उस एरिया की वीडियोग्राफी करवाई जाती थी, जिसके बाद उस फिल्म की डेवलप होने का इंतजार किया जाता था। आज के समय में डेटा लिंक्स के द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटली शेयर की जाती है, जिससे कि दुश्मनों की हर मूवमेंट पर नज़र रखी जा सके। आने वाले समय में सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट के पास कई तकनीक्स होंगी, जिससे वो किसी भी रीजन के कई व्यूज़ देख सकेंगे और उनके पास हर वो इन्फॉर्मेशन होगी जो कि एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइल्स को भी गाइड कर सकेगी। तो ये थे सिक्स जनरेशन फाइटर्स के कुछ बड़े फीचर्स। फिलहाल के लिए हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स को पूरी तरह इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं, वहीं सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। आने वाले समय में हमें ऐसे कई कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलेंगे, जैसे जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम, जिसमें कि X-32 और X-35 के कई टेस्ट किए जाएंगे, ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि US एयरफोर्स का नेक्स्ट फाइटर प्लेन कौन सा होगा, और इसी के थोड़े टाइम बाद सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि late 30s से early 40s तक आ जाएंगे। फ्यूचर प्लान्स के मामले में US अपने फ्यूचर प्लान्स पब्लिकली शेयर करता है, क्योंकि उन्हें फंड्स के लिए पब्लिक और कांग्रेशियल अप्रूवल की ज़रूरत होती है। रशिया ने अपने सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्लान्स के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। वहीं चाइना इन मामलों में बहुत ही सीक्रेटिव है, क्योंकि पिछले दशक में चाइना ने अपने फाइटर प्लेन्स को काफ़ी इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व किया है। वह J-7 से J-20 तक आ चुके हैं, जो कि एक फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्लेन है।
इससे हमें पता चलता है कि चाइना के पास 6th generation फाइटर प्लेन्स के प्लान ज़रूर हैं, पर वो ये सब पब्लिकली नहीं बताना चाहता। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।